दोस्तों ये बात आप लोग जानती हो कि इन दिनों बॉलीवुड के रोमांस के असली बादशाह यानी कि एक्शन को भरते हुए असली किंग शाहरुख खान को लेकर यह जानकारी तो ऑलरेडी लोगों के सामने अनऑफिशियली आ चुकी है कि भाई शाहरुख खान अपनी आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया पठान के पार्ट टू को फ्लोर पर ले जाने से पहले वो अपनी बेटी यानी कि भैया सुहाना खान के साथ बनने वाली फिल्म को पहले फ्लोर पर लेकर जाएंगे। यानी कि भैया अपनी बेटी के लिए बॉलीवुड का फ्लोर तैयार करने के बाद ही वो भैया पठान के पार्ट टू के काम को शुरू करेंगे। तो भाई जैसे ही शाहरुख खान और सुहाना खान की आने वाली फिल्म किंग को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ गई है कि भाई यही वो फिल्म होगी जो कि किंग खान पहले लेकर आएंगे सिनेमा घरों में अगले साल। तो भैया इसी के साथ ही किंग को लेकर खबरों का बाजार सजने लगा है और भाई ये बाजार इतना स्ट्रांग है कि भैया इसको देखने के बाद तो ऐसा लगता है कि भाई जो जो खबरें किंग को लेकर हम लोगों के सामने आ रही है ना उसको सुनने के बाद तो मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि भाई क्या वाकई में कुछ ऐसा होने वाला है किंग का प्लॉट। भाई क्वेश्चन मार्क मेरे दिमाग में क्यों आ रहा है किंग के प्लॉट को लेकर, चलिए इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों शाहरुख खान और सुहाना खान की आने वाली फिल्म किंग को लेकर ये जानकारी तो हम लोगों के सामने आ चुकी है कि ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर मूवी होगी जिसके कहानी को लिख रहे हैं सुजॉय घोष और इस फिल्म के एक्शन को डिजाइन करने का जो कार्यभार मिला है वो मिला है सिद्धार्थ आनंद को। यानी कि भैया इस फिल्म को सुपर से ऊपर बनाने के लिए किंग खान ने एक जबरदस्त क्रिएटिव टीम तैयार की है। तो भाई जब किंग खान ने इस फिल्म के लिए एक जबरदस्त क्रिएटिव टीम तैयार की है तो भाई वो एक रीमेक फिल्म के माध्यम से अपनी बेटी को बॉलीवुड के मार्केट में क्यों लॉन्च करने जा रहे हैं? क्योंकि भैया शाहरुख खान ने कुछ दिनों पहले ही ये जानकारी दुनिया के सामने रखी थी कि भैया अब वो किसी रीमेक फिल्म का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो अपनी जिस फिल्म को भी सिनेमा घरों में लेकर आएंगे वो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही सिनेमा घरों में आएगी। यानी कि भैया उन्होंने ये बात क्लियर कर दी थी कि भैया अब शाहरुख खान कभी भी किसी भी रीमेक फिल्म का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो भाई शाहरुख खान अपनी ही बेटी को एक रीमेक फिल्म के माध्यम से क्यों सिनेमा घरों में लेकर आना चाहते हैं? क्योंकि भैया किंग को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया किंग जो है वो हॉलीवुड की एक सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि लियोन द प्रोफेशनल का ऑफिशियल रीमेक नहीं कह सकते क्योंकि भी अभी तक इस बात की जानकारी ऑफिशियली हम लोगों के सामने नहीं आई है कि भाई ये फिल्म एक रीमेक है या फिर एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है। लेकिन भाई खबरों का बाजार किंग को लेकर यही गर्म हुआ है कि भाई शाहरुख खान और सुहाना खान की आने वाली जो फिल्म है वो 1994 में रिलीज हुई हॉलीवुड के सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि लियोन द प्रोफेशनल का रीमेक होगी। तो भाई लियोन द प्रोफेशनल का अगर ये फिल्म रीमेक होगी तो भैया शाहरुख खान का वो बात तो ऑटोमेटिक झूठा साबित हो जाएगा ना मेरे भाई कि अब वो किसी भी रीमेक फिल्म का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो भाई अब तो खबरें यही आ रही है किंग को लेकर और भाई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस इस फिल्म को लेकर ये जानकारी दे रहे हैं कि भाई ये फिल्म एक रीमेक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि लियोन द प्रोफेशनल जो फिल्म आई थी हॉलीवुड की, भाई उस फिल्म की कहानी क्या थी? तो भैया उस फिल्म में हम लोगों ने ये बात देखी थी कि भाई उस फिल्म में जो नजर आने वाले जो मुख्य किरदार थे वो एक सुपारी किलर का किरदार निभा रहे थे और एक उम्र के पड़ाव पर आने के बाद वो गुमनामी की जिंदगी जीने लगता है। यानी कि भैया अपना वो प्रोफेशन जो था सुपारी किलिंग वाला वो काम वो छोड़ देता है और वो गुमनामी की जिंदगी जीने लग जाता है। इसी दौरान उसके पास एक 12-13 साल की लड़की आती है जो कि उसको ये बात बताती है कि उसके माता पिता की किसी ने हत्या कर दी है। तो वो भी उसके प्रोफेशन को सीखना चाहती है यानी कि वो अपने माता पिता के हत्यारे से बदला लेना चाहती है और वो इसमें उसकी मदद करे। यानी कि भैया वो जो बच्ची है उस प्रोफेशनल सुपारी किलर से मतलब कि गुण लेती है कि कैसे वो किसी की हत्या कर सकती है। और भाई जब वो उस प्रोफेशनल सुपारी किलर से वो गुण सीख लेती है तो वो अपने माता पिता के हत्यारे से बदला लेने के लिए निकल पड़ती है उस प्रोफेशनल सुपारी किलर को बताए बिना। यही कहानी थी लियोन द प्रोफेशनल का।
तो भाई क्या इसी कॉन्सेप्ट पर शाहरुख खान और सुहाना खान की फिल्म जो है वो टिकने वाली है? वैसे भाई शाहरुख खान की आने वाली इस फिल्म को लेकर, सुहाना खान की आने वाली इस फिल्म यानी कि भैया किंग को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया इस फिल्म में शाहरुख खान और सुहाना खान जो है वो बाप और बेटी के किरदार में नजर आएंगे। पहले इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई थी कि इस फिल्म में शाहरुख खान का बस एक कैमियो वाला किरदार होगा, लेकिन आगे चलकर इस फिल्म को लेकर अब ये जानकारी हम लोगों के सामने आने लगी है कि भाई ये जानकारी तो ऑलरेडी पहले भी मैंने आप लोगों को दी थी कि भैया इस फिल्म में शाहरुख खान जो है वो फुल फ्लेज नजर आने वाले हैं। तो भाई ऐसा कैसे हो सकता है, जो शाहरुख खान ये बात पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि वो अब किसी भी रिमेक फिल्म का हिस्सा नहीं बनेंगे, वो अपनी ही बेटी को एक रिमेक फिल्म के माध्यम से लेकर आएंगे जिसको ऑलरेडी भाई इंडियन जनता ने देख रखा है मेरे भाई हॉलीवुड के फिल्म के माध्यम से, ये बात मेरे गले नहीं उतर रही है। अब वैसे आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से भी तो बताइए कि आपको क्या लगता है ये जो खबर फैलाई जा रही है किंग को लेकर कि भैया ये फिल्म जो है वो एक हॉलीवुड के फिल्म की रिमेक है, आपको क्या ये बात पच रही है? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वारन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।